हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एचआर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ द बुक यूनिवर्सल साइंस। द चैप्टर 2 विच नेम इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। टुडे वी हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एवरी लिविंग थिंग नीड फूड, इट हेल्प अस टू ग्रो एंड कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़। एवरी लिविंग थिंग नीड फूड, हर एक जीवित वस्तु को क्या चाहिए, खाना चाहिए, जो हमें किस में हेल्प करता है, टू ग्रो मतलब बढ़ने में, और टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़, जो हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ काम होते हैं, जैसे सोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, ऐसे। ठीक है, सच एज स्टडिंग, पढ़ना भी, प्लेइंग एंड वर्किंग। सम लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन फूड एंड अदर ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कुछ लिविंग बींग्स होती हैं जैसे कि प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ लिविंग बींग्स ऐसी होती हैं जैसे कि हम अपना खाना बनाने के लिए या पाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं या एनिमल्स पे। लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। जो लिविंग बींग्स अपना खाना खुद बनाती हैं उन्हें कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स दो वर्ड से बना हुआ है, ऑटो और ट्रॉप्स। ऑटो मतलब खुद ब खुद, ट्रॉप्स मतलब खाना प्रिपेयर करने वाले, इसीलिए ऑटोट्रॉप का मतलब हुआ जो खुद खाना बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स माना जाता है। लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। जो लिविंग बींग्स जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी एनिमल है, वो खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है, तो वो हेटरोट्रॉप होगा। ये भी दो वर्ड्स के मेल से बना हुआ है, जिसमें हेटरो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉप्स का मतलब आपको पता लग गया, टू प्रिपेयर फूड। हेटरोट्रॉप्स वो हुए जो अपना खाना पाने के लिए अदर्स पे मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग आर हेटरोट्रॉप्स। हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स हैं, क्यों? क्योंकि हम मोस्टली अपना खाना पाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे। इन प्लांट्स द लीव हेल्प टू मेक फूड। प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उन्हें फूड फैक्ट्री कहा जाता है, जिसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो प्लांट का खाना बनाने में मदद करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द लीव्स। चलो देखते हैं कि लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ अ लीव, ये हमें एक रफ लीव की डायग्राम दी गई है। लीव के जो हैं मेन चार पार्ट्स होते हैं, लीफ ब्लेड, ये लीफ का पूरा ब्लेड हुआ, ये है साइड वेंस, जो लीव के ऊपर आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, किसी लीव्स में ऐसी होंगी, किसी में ऐसी होंगी, किसी में कुछ अलग तरीके से, ये है साइड वेंस। और ये है मेन वीन, मेन वीन, मेन वीन और मिड रिब, जो पत्ते के ऊपर से नीचे तक इसको कंबाइन करती है, इसके दो फेसेस को कंबाइन करती है, ये है मेन वीन और मिड रिब। ये है लीफ अपेक्स, जो इसका सिरा होता है नुकीला सा, उसे बोलते हैं हम लीफ अपेक्स। ये पार्ट जो है इसका, इसको टहनी के साथ जो जोड़ता है, ठीक है। और लीफ में छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें ऐसे नहीं दिखते, उन्हें बोलते हैं हम स्टोमेटा, जो लीफ को सांस लेने में मदद करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ लीव, ऑब्जर्व द लीफ ऑफ अ रोज प्लांट और अ पीपल ट्री क्लोजली। ये रोज और पीपल का पत्ता दिखाया गया है। द टॉप सरफेस ऑफ द लीव इज प्रोटेक्टेड बाय अ वैक्सी कोटिंग। जो लीफ का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो एक वैक्सी कोटिंग मतलब एक मोम जैसी परत से कवर किया होता है। दिस कोटिंग प्रोसेस प्रोटेक्ट्स द लीफ एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। इस कोटिंग का मेन काम होता है, जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में वाटर लॉस होता है, उसे कम से कम करना या प्रिवेंट करना। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो ऊपर का फ्लैट पार्ट होता है, ये ऊपर वाला, इसे कहते हैं लीफ ब्लेड। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स, ठीक है। द अपर एंड द लोअर साइड्स ऑफ द लीव्स ब्लेड आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, अपर एंड द लोअर साइड्स आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर। दोनों के कलर में हल्का सा फर्क होता है, किसी का ज़्यादा भी होता है, किसी का हल्का सा होता है, ऊपर वाली और नीचे वाली साइड का पत्ते के। द अपर साइड इज स्मूथ एंड डार्क
इन कलर वाइल द लोअर साइड इज रफ एंड लाइट. अपर साइड जो होती है वो कलर में डार्क होती है और लोअर साइड कलर में लाइट होती है और रफ होती है. देयर इज अ थिन ट्यूब दैट रन थ्रू द मिडल ऑफ द लीव. ये जो ट्यूब है मिडल ऑफ द लीव से जाती है. दिस इज कॉल्ड द मिड रिब और मेन वीन. सम अदर ट्यूब्स दैट आर अटैच टू द मिड रिब आर कॉल्ड साइड वीन्स. जो मिड रिब के साथ और वीन्स अटैच हैं उन्हें हम बोलेंगे साइड वीन्स. दीज वीन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर मिनरल्स एंड फूड. जैसे हमारे जो है बॉडी में वीन्स आर्टरीज जो है ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऐसे जो पत्ते में वीन्स होती हैं वो मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करती हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ. प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसके हर एक पार्ट तक एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट और लीव्स से लेके प्लांट के पार्ट्स तक. दे ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द लीफ ब्लेड एंड हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द लीव. जो भी लीव की शेप है वो साइड वीन्स की मदद से ही आती है. जैसी साइड वीन्स होगी उसी प्रकार पत्ते की जो शेप है लीव की शेप है वो चेंज हो जाएगी. द अंडर साइड ऑफ द लीफ हैज़ मैनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. ये मेन पार्ट है हमारा स्टोमेटा. जो टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे शेक होते हैं सिंगुलर स्टोमा. सिंगुलर फॉर्म में इसे हम स्टोमा बोलते हैं और मल्टीपल प्लूरल में हम बोलते हैं स्टोमेटा. दीज पोर्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी विद द अनएडेड. अनएडेड मतलब जिसके पास कोई इक्विपमेंट ना हो जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह या लेंस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर आर रिलीज. जो स्टोमेटा हमारे होते हैं वो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने में और जो ऑक्सीजन होती है उसे बाहर निकालने में. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज थ्रू स्टोमेटा. ये तो होगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस के टाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में वाटर वेपर्स का रिलीज होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से हाउ डू प्लांट्स मेक फूड. थैंक यू.